बच्चे का नाम कभी अपने आप नहीं रखना चाहिए। आजकल ये बड़ी बुरी प्रथा चल रही है, बहुत बुरी प्रथा है। बच्चे के न जन्म भी नहीं होता उससे पहले ही नाम सोच लेती मम्मी पापा। बेटी हुई तो ये नाम होगा, बेटा हुआ तो ये नाम होगा, दोनों मम्मी पापा डिसाइड करते हैं। और कई बहुएं तो लड़ पड़ती हैं सासू माँ से, तुम कौन होती हो, बेटा मेरा है या बहू बच्चा मेरा है। नहीं, गलत बात, गलत बात। क्या करना चाहिए? बच्चे होने के बाद 7 दिन बाद 11 दिन बाद पंडित जी को बुलाना चाहिए। वो समय, वो डेट, वो प्लेस उनको बताना चाहिए। उसके अनुसार वो ग्रह नक्षत्र सब का शोध करके फिर एक अक्षर निकलता है, उस अक्षर के ऊपर उस बच्चे का नाम रखते हैं, फिर हवन इत्यादि होता है, तब वो शुद्धिकरण आपके घर का हो जाता है। तो इस क्रिया को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर सनातनी वैष्णव को ये क्रिया करनी चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। बच्चे होने के बाद भी जो अपने घर में हवन नहीं कराते हैं उनके घर में सोवर लगी ही रहती है बिना हवन के। मृत प्राणी के बाद जो हवन नहीं कराते हैं सूतंग उनके आजीवन लगे रहते हैं। एक बात सूतक के नाम पे हमको याद आ गई, आजकल के मॉडर्न बच्चे अपने मां बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति ने एक संत से प्रश्न किया, महाराज जब कोई घर में मृत हो जाए तो हम सब जानते हैं 12-13 दिन के लिए सूतक लगता है, पर किसी ने अपने घर के बुजुर्ग को अनाथ आश्रम में भेज दिया हो और उसे कुछ दिन बाद पता चले कि हाँ आपके प्राणी का स्वर्गवास हो गया, तो उसे कब और कैसे सूतक लगेगा, कितने दिन का सूतक लगेगा? तो संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जिसने अपने मां बाप को अनाथ आश्रम में भेज दिया हो उसको आजीवन सूतक लगेगा, आजीवन। उसके घर से सूतक कभी नहीं जाने वाले, उसे तो कलंक लग गया। जिसने अपने मां बाप को जन्म देने वालों को अनाथ आश्रम में भेज दिया हो उसे कैसे सूतक से वो शुद्ध हो सकता है? यह आजकल बड़ी प्रथा चल रही है अनाथ आश्रम भेजने की, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी नहीं है।